नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बेसिक शिक्षा से जुड़ी ही दो तीन खबरें, और उसमें मुख्य रूप से है कल यूपी टेट 2018 के केस की अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसकी शून्य जनपद वाली कोर्ट की डेट 9 जनवरी लग गई है, यानी कि जिसमें चल रहा था कि जिला वरीयता मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें फाइनल डिसीजन 9 जनवरी को हो सकता है। 9 जनवरी 6 जनवरी के बाद की डेट है, यानी कि खास डेट है क्योंकि 6 जनवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उसके बाद ही भविष्य निर्धारित हो जाएगा। यानी जो लोग शंका में है कि हमारी नौकरी सुरक्षित है या नहीं है, वो 9 जनवरी की कोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। साथ के साथ हम यही बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित 41,500 जो 56 अभ्यर्थी थे उनमें से भी कई अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है, क्योंकि इस पर CBI की जांच थी और ये विवादों के घेरे में भी है, इसलिए इन लोगों ने इस 69,000 में भी आवेदन किया है। तो 12,460 वालों ने भी 69,000 में आवेदन किया है, तो वो आवेदन करने के बाद 6 तारीख को परीक्षा दे लें, फिर 9 तारीख को जो शून्य जनपद वाले केस की सुनवाई है उस पर वो पूर्ण रूप से ध्यान दे सकेंगे। इसके बाद जो दूसरी खबर हम बताना चाह रहे हैं वो यूपी टेट 2018 के बारे में, वो ये कि कोर्ट ने 3 अंक सभी को समान रूप से देने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें से 2 अंक संस्कृत के हैं और 1 अंक उर्दू विषय से है। यानी जिसने उर्दू नहीं ली होगी उसके केवल 2 ही अंक बढ़ेंगे, जिसने संस्कृत नहीं ली होगी उसके कोई भी अंक नहीं बढ़ेगा, संस्कृत वालों के 2 अंक बढ़ेंगे। इसमें अ और उ वाला सही माना गया था, और आपका उर्दू में तो बता ही दिया था कल की वीडियो में, 1 अंक बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों अब 2 अंक और 3 अंक बढ़ने से कितने अभ्यर्थी और पास हो जाएंगे, इसका परिणाम आज जारी हो जाएगा। PNP ने कहा है कि संशोधित रिजल्ट हम आज यानी 20 दिसंबर को जारी कर देंगे, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है, 22 दिसंबर इसकी अब अंतिम तिथि है। 22 दिसंबर तक ये बड़े हुए अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं 22 दिसंबर तक, लेकिन अभी तक 6 जनवरी ही परीक्षा की डेट बनी हुई है। वहीं पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो नए अभ्यर्थी जो पास होंगे उनको पता ही नहीं था कि हम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो उनको शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए मात्र 15 दिन मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए 1.5 माह का समय दिया जाता है, इसलिए फिर वो इसी कसमकस में है कि आखिरकार 15 दिन में परीक्षा की तैयारी कैसे हो, और कहीं इसके लिए हमें न्याय की शरण नहीं लेनी पड़े, परीक्षा की तिथि आगे ना बढ़वानी पड़े। तो पहली चरण तो इन लोगों ने पार कर ही लिया है कि 3 अंक बढ़ने से इतने ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो जाएंगे कि वो शायद कोर्ट चले जाएँ 6 जनवरी की परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट यूपी टेट 2018 को लेके। ये अपडेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये बिल्कुल ना सोचे कि 6 जनवरी को परीक्षा हट जाएगी, 6 जनवरी की जो परीक्षा है उसी डेट को मानते हुए तैयारी करिए, क्योंकि मुश्किल है कि ये डेट आगे बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।